हम बात कर रहे हैं MMTC की। आज के दिन की बात करें तो 3% के ऊपर की बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट थी, ऑलमोस्ट 309 पॉइंट की गिरावट के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई। और इस गिरावट के पीछे का रीज़न आप सब जानते हो, US का जो इलेक्शन है जिसके चलते हमको गिरावट देखने के लिए मिली। और MMTC इससे पहले हमने डिस्कस किया था 80 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट है लगातार अपसाइड के लिए। देख सकते हो चार्ट पैटर्न पर 80 के लेवल से, एग्जैक्ट 80 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करके गिरावट दिखाई, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। हालांकि MMTC कोई अकेला स्टॉक नहीं था जिसमें गिरावट थी, MMTC के साथ अदर स्टॉक थे वो भी गिरावट दिखा रहे थे। अगर बाकी स्टॉक में हमको रैली और MMTC में गिरावट नज़र आती तो फिर हम ये सोच सकते थे कि MMTC में कोई ऐसी न्यूज़ है जिसके चलते MMTC गिरावट दिखा रहा है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ है या कोई बुरी खबर है जिसके चलते MMTC गिरावट दिखा रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी दोस्तों, सारा मार्केट गिरावट दिखा रहा था और MMTC में भी गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि लगातार रिकवरी आ रही थी 72 के लेवल से, अपने मेजर रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन फेस कर गया। लेकिन अब भी चार्ट पैटर्न को देखें तो हायर हाई हमको देखने के लिए मिल रहा है, अपने सपोर्ट लेवल पर ही MMTC हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक के चांस बन रहे, 75 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो 76 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो 74 और तगड़ा सपोर्ट रहेगा 70 का लेवल। अब जंप आता है तो अगेन 80 तक का जंप दिखा सकता है जो कि इसका रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी दो दफ़ा जहाँ से रिजेक्शन फेस कर चुका है। अगर बाउंस बैक करता है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, 80 इमीडिएट टारगेट है, इसी पर नज़र रखना है। 80 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर अगला टारगेट 84 और इस बाउंस बैक के साथ 90 तक का जंप फिर MMTC दिखा सकता है हमको, 90 तक के भी टारगेट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।